वेलकम टू आवर नेक्स्ट व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग नेक्स्ट डे के साथ। आज मेरा खुंजराब का प्लान था और मैं खुंजराब पास अभी पहुंचा हूँ थोड़ी देर पहले। रास्ते की भी मैंने कुछ टाइमलाइंस बनाई हैं तो इंशाल्लाह वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पर आकर मैंने कुछ चीज़ें ऐसी सुनी थी कि आप लोग कुछ चार्जेस पे करके आगे तक जा सकते हैं, तकरीबन इनका 3 से 4 किलोमीटर का कुछ फाया होता है उधर तक, क्योंकि इनकी नेक्स्ट चेक पोस्ट जो होती है वो चाइना में है। यहाँ तक हमारा बॉर्डर है, यहाँ तक हम जा सकते हैं, लेकिन इससे आगे चाइना की सारी रूल्स रेगुलेशन शुरू हो जाते हैं। और ये जितनी आपको मेरे पीछे नज़र आ रही हैं सब चाइना की पहाड़ियाँ हैं, और जो मेरे इस साइड पर राइट हैंड पर जो नज़र आ रही हैं ये सब पाकिस्तान की पहाड़ियाँ हैं। और मैं आपसे कुछ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्लीज़ अगर आप लोग जब भी आएँ तो अगर आप लोगों को ये अलाउ करें और जो आप लोगों को रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कहें वो कभी भी ब्रेक मत करें। क्योंकि मेरी अभी एक ऑफिसर से बात हुई है तो मैं उनसे यही पूछ रहा था कि हमें यहाँ से आगे जाना अलाउ क्यों नहीं है, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही कि यार हमारे अक्सर में पाकिस्तानी कुछ ऐसे लोग हैं जो जब पहले हमें ये अलाउ था उनके चेक पोस्ट पर जाना तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर है इनके हमारे बॉर्डर लाइन से, लेकिन जब वो आगे गए तो उन्होंने काफ़ी इनके रूल्स ब्रेक किए, जिसकी वजह से चाइनीज़ ने इनका जो अपने पाकिस्तानी बॉर्डर से आगे जाना इनकी हदूद में वो जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो वो बल्कि मुझे ये भी कह रहे थे कि हमें भी परमिशन ले के अब आगे जाना पड़ता है। तो मैंने मुझे किसी ने ये कहा था कि इसके कोई चार्जेस वगैरह भी हैं, तो मैंने उनसे पूछा तो इसके किसी किस्म के कोई चार्जेस भी नहीं हैं, आप जा सकते थे, ये ड्यू टू कोरोना बंद नहीं हुआ, ये हमारे रूल्स ब्रेक करने की वजह से इनका बंद हुआ। सो प्लीज़ जो भी यहाँ पे आए तो रूल्स लाजमी फॉलो करें, क्योंकि जब हम रूल्स फॉलो करते हैं तो ये चाइनीज़ और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं ये उस बंदे को इस बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं जो इनके रूल्स फॉलो करते हैं। हम तो पाकिस्तान में जो मर्जी करें हमें कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब आप दूसरे की कंट्री में जाएँ इंटर होना चाहते हैं या उनकी ब्यूटी देखना चाहते हैं, माशाल्लाह वैसे तो हमारे पाकिस्तान में बहुत ब्यूटी, हमें किसी कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि हमें पाकिस्तान को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और आना भी चाहिए इन जगहों पर, जैसे खुंजराब पास हो गया, दवाड़ी टनल्स हो गए और बाबूसर टॉप होगी, और इसके बाद फेरी मेडोज़ होगी। फेरी मेडोज़ के साथ आगे काफ़ी तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस है 1-1 आवर्स के वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे आना चाहिए हमें और पाकिस्तान को प्रमोट भी करना चाहिए। सो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है हमारे पाकिस्तान, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, ये 12 महीने बर्फ़ से ढकी रहती हैं। और जब नवंबर दिसंबर के महीने आते हैं तो ये रोड जो आप देख रहे हैं ये भी बर्फ़ से पूरी ढकी होती है। सो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान। चलें फिर इंशाल्लाह, मेरी वापसी है, अब मैं जाऊंगा इंशाल्लाह स्कर्दू, आपके साथ स्कर्दू का भी रास्ता शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त है, चलिए अभी चलते हैं अपने सफ़र की तरफ और नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
गाइस हमारा प्लान था आज असल में जाने का तो स्कर्दू का, लेकिन स्कर्दू का मुझे तकरीबन जब मैं गिलगित क्रॉस कर रहा था तो मुझे पता चला जुनैर भाई से कि गिलगित का रोड तो स्कर्दू का रोड तो बिल्कुल स्टक हुआ हुआ है ब्लास्टिंग की वजह से। तो मैंने थोड़ी सी सर्चिंग की उस पर, तो skardu.pk वेबसाइट का वेबसाइट नेम है, डोमेन नेम है, तो वहाँ से मुझे पता चला कि वाकई स्कर्दू का रास्ता तो बिल्कुल उन्होंने 3 दिन के लिए क्लोज किया है क्योंकि वहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही है और रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है जिसकी वजह से वो बंद है। तो मैंने फिर स्कर्दू का प्लान तो कैंसिल किया क्योंकि मैं गिलगित में पहुँच गया था, मुझे शाम हो चुकी थी यहाँ पर पहुँचे हुए, तो इसलिए फिर मैंने गिलगित के स्कर्दू जाने के बजाय गिलगित में स्टे करने का ज़्यादा बेहतर डिसीजन लिया। वो इस वजह से कि अगर मैं स्कर्दू की तरफ निकल जाता और मैं इस चीज़ को ना देखता तो मुझे शायद वहाँ पे वापसी आने जाने का बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो अब हमारा थोड़ा सा प्लान में चेंजिंग आई है कि मैं अब जो स्कर्दू जाने वाला था स्कर्दू के बजाय अब मैं कल इंशाल्लाह सुबह नारान की तरफ निकलूँगा। तो अभी मैंने होटल लिया है, बहुत अच्छा होटल है, ये भी न्यू इन्होंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे इनके रूम बहुत अच्छे हैं, बहुत आला रूम है, बिल्कुल साथ ही गिलगित का रिवर चल रहा है यहाँ पे, आवाज़ तो आपको आ रही होगी बैक साइड से, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है। ये बिल्कुल अभी न्यू तैयार हुआ है, तो मैं आपको होटल का अंदर से थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये होटल अंदर से कैसा है, जल्दी से बंद कर देते हैं। ये होटल है इनका, बहुत अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा होटल इन्होंने बनाया। ये भी न्यू अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ चीज़ें अभी इनकी लगा रहे हैं, सेम टू सेम ये सारा मैंने इनके ऑनर से पता किया था, तो ये कह रहे थे कि ये टोटल दियार से तैयार किया हुआ है। तो अगर आप लोगों का कभी गिलगित में आना हो तो इस होटल को प्रेफर कीजिए। इनका रूम रेंट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे 2 रूम चाहिए थे, मैंने 2 रूम लिए, तो 2 रूम का रेंट मुझे टोटल 9000 कह रहे थे, तो 8000 में इन्होंने डन किया। इसमें इनका वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, लग्जरी वॉशरूम बनाया हुआ है इन्होंने, देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो काफ़ी बेहतर है। तो फिर प्लान चेंज करने का अब और तो कोई मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं था, प्लान चेंज करना लाजमी था, जिसकी वजह से अब सुबह इंशाल्लाह नारान जाएंगे और उसर टॉप से होते हुए, तो आप इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। और अगर कोई मेरे पेज पे न्यू है तो काइंडली मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बगल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली जो फर्दर वीडियोज़ हैं वो रिसीव होती रहा करें। ये मेरी फर्स्ट एफर्ट है, आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे इसे मैं बिल्डअप कर सकूँगा, तो आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। अगर मेरी किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो, कुछ भी हो, तो वो आप लोग मुझे साथ साथ बताते रहा करें कि ये मेरी मिस्टेक है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग मुझे जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे मैं उसको इम्प्रूव करता रहूँगा। तो सुबह तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अभी जाएँगे इंशाल्लाह ऊपर रेस्टोरेंट है, इनका बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना है, उसका भी थोड़ा सा व्यू आपको दिखाएँगे, खाना खाते हैं मज़े, बाकी इंशाल्लाह फिर सुबह आप लोगों से दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।